हेलो फ्रेंड्स, मैं ना विक्की और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइज, आज का टॉपिक ये है कि आप अपने ओप्पो रेनो 2 में बैटरी परसेंटेज को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब कि दिखा सकते हैं, वो भी अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बार पे। इससे फ़ायदा ये है कि कहीं आपने इसे एनेबल करके रखा हुआ है तो आपको पता लगता रहता है कि आपकी बैटरी कितनी डेड हो रही है, और कहीं आपने अपना फ़ोन चार्जर में कनेक्ट किया हुआ है तो कितने परसेंट चार्ज हो गया है। ये इसका फ़ायदा है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसकी सेटिंग कैसे करनी है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जो आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन पे आ गया हूँ। इसके बाद आपको करना है कि अपना सेटिंग ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है स्टेटस बार का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेटस बार बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बैटरी परसेंटेज ऊपर दिखा रहा है, 77% मेरा बैटरी अभी चार्ज है। तो इसी तरह इस सेटिंग को आप कर सकते हैं। सो गाइज, इसी तरह आप अपने ओप्पो रेनो 2 में बैटरी परसेंटेज को डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब कि दिखा सकते हैं नोटिफिकेशन बार पे, जिससे आपको पता लगता रहता है कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो गई, या अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो कितनी जल्दी डेड हो रही है बैटरी, ये सब कुछ आपको पता लगता रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।